तरफ से अपना क्रांतिकारी सलाम पेश करती हूँ। साथियों, आज हम तमाम लोग पूरे देश भर में तमाम महिलाएं और तमाम मजदूर जम करके इस मोदी सरकार के खिलाफ, इस सांप्रदायिक सरकार के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं कि सबसे पहले जो ये तमाम नेशनल स्कीम वर्कर हैं, इन्हें आप श्रमिक का दर्जा दो, इनको आप सबसे पहले मजदूर मानो। हम आंदोलन कर रहे हैं कि जो हमारी आशा बहनें हैं, जो 9 महीने तक गर्भवती महिलाओं की सेवा करती हैं, मात्र 600 रुपये मिलते हैं, तमाम तरह का टीकाकरण करवाती हैं, मगर आज टीकाकरण का 10 वर्षों में किसी भी मजदूर के पैसे बढ़ते हैं, मगर आशा कार्यकर्ता का 10 वर्ष में पैसे और घट गए हैं। जो 100 रुपया मिलता था, अब वो 25 रुपया मिलता है। ये कौन सी सरकार है, कैसी से विकास की बात करने वाली सरकार है? तो साथियों, जो आशा वर्कर आज पूरे देश भर में, इन आशा वर्कर के बदौलत तमाम सरकारी अस्पताल चमक रहे हैं, तमाम अधिकारी पदाधिकारी मेडल लेते हैं कि हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना विकास किया। और तो और, पूरे देश भर से जो पूरे पोलियो का उन्मूलन एक तरह से हुआ है, उसकी रीढ़ है हमारी आशा बहने, मगर ये सरकार पूरे देश भर में आशा कार्यकर्ता को मानदेय तक नहीं देती है। इसलिए हमने यह मांग किया है कि आप पूरे देश भर में एक समान पहले मानदेय लागू करो। 18,000 वेतन मान तो है ही, वेतन मान दो, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, और जब तक नहीं है तो पूरे देश भर में एक समान वेतन मान दो। और ये तुमको देना होगा मोदी साहब, नहीं तो आज आंखें फाड़ कर देखो, पूरा दिल्ली लाल है नरेंद्र मोदी। और ये तुम होश में आ जाओ, यदि तुम चाहोगे कि हम इन महिलाओं के आंदोलन को, इन महिलाओं की आवाज को हम संसद में जगह नहीं देंगे, हम इस बजट सत्र में अगर कोई जगह नहीं देंगे, तो तुम कान खोल कर सुन लो, पूरे देश भर में एक दिन की स्ट्राइक तो सांकेतिक जो होगी सो होगी, मगर पूरे देश भर में हम ऐसा हड़ताल करेंगे कि ना तो अस्पताल चलेगा, ना तो स्कूल चलेगा, ना तो कोई आंगनबाड़ी के सेंटर चलेगा, और ना ही कोई कर्मचारी संगत का कलेक्टेरियट चलेगा, यानी अस्थाई कर्मचारी बैंक ब्लॉक से लेकर तमाम स्कीम वर्करों का पूरी तरह से हड़ताल होगी। नरेंद्र मोदी, ये आग फाड़ करके देखो और कान खोल करके सुनो। और इसके साथ ही जो हम देख रहे हैं कि वो बिहार हो, यूपी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, हम तमाम जगह लड़ रहे हैं, तमाम राज्य सरकार और केंद्र सरकार से लोहा ले रहे हैं, मगर ये जो भाजपा की अगली बारी झूठी सरकार, सांप्रदायिक सरकार, आंदोलनकारी ताकतों पे लाठियां चलाने का काम कर रही है, हमारे ऊपर केस दर्ज कर रही है, हमें जेल भेजने का काम कर रही है, और इससे भी यदि हमारी आवाज नहीं दबती तो घर में घुस करके गौरी लंकेश जैसे तमाम नेताओं की हत्या करती है, और हमारे तमाम नेताओं के, क्रांतिकारी नेताओं के, कविता कृष्णन जैसे तमाम नेताओं की हत्या करने की धमकी देती है। तो कान खोल कर सुन लो भाजपा, कान खोल कर सुन लो नरेंद्र मोदी, कान खोल कर सुन लो तमाम केंद्र और राज्य सरकारें, हम आंदोलन की आवाज को यदि तुम दबाओगे तो तुम्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा, इतिहास के कूड़ेदान में धकेल दिया जाएगा। हम महिलाओं का कारवां है, हम आंदोलनकारी ताकतों का ये कारवां है, हम लाठी से नहीं डरते, हम जेल और गोली से नहीं डरते, हम तुम्हारे केस दर्ज करने से नहीं डरते, तुम्हें जितनी
जितनी गोलियां चलानी है तुम चलाओ, हमारा सीना कम नहीं होगा, हमारी जेल में जगह कम नहीं होगी। हमने हम आंदोलन का आह्वान करेंगे कि जेल तुम्हारी कितनी लंबी, नाप लिया है और नापेंगे, इसलिए तुम जेल को खाली करके रखना। तुमने जेल में जो तमाम क्रांतिकारी लोगों को बंद करके रखे हो तुम खाली करो। हम तमाम नेशनल स्कीम वर्कर आ रहे हैं, देखेंगे तुम्हारी जेल में कितनी जगह है। इसलिए साथियों हम आप तमाम लोगों से आह्वान करेंगे कि हम लोग हमारे आंदोलन में हमारी शक्ति में इतनी ताकत है, जब हम सरकार को बना सकते हैं, जब हम अपने बच्चों को और हम अपना भविष्य निर्माण कर सकते हैं, जब हम जीवन का निर्माण कर सकते हैं, तो हम यदि अपनी औकात पे आ जाएं, तो ऐसे ऐसे सांप्रदायिक ताकतों को विध्वंस भी कर सकते हैं, इतनी ताकत हम रखते हैं। इसलिए मोदी साहब इस बार के बजट में आपको आशाओं को पूरे देश भर में तमाम नेशनल लोग तमाम आशाओं को मानदेय एक समान पूरे देश भर में आपको देना होगा। हमारी रसोईया बहने 1200 में खट रही हैं, हमने लड़ करके 1200 उनको दिलवाया है, तो हमने यह नारा दिया है 1200 में दम नहीं, 18000 से कम नहीं। इसलिए आप तुमको इस बार देना होगा, और यदि तुम नहीं दोगे तो जिस तरह से तुमने विकास का नारा दिया था, हमने गद्दी पर बिठाया था, यही लोग नेशनल स्कीम पर करें और लोगों ने बिठाया था, तो नरेंद्र मोदी तुम्हें कान पकड़ करके हम गद्दी से उतारना भी तुमको जानते हैं, और इस बार के चुनाव में हम उतार करके दम लेंगे। इसलिए ये तमाम हमने आंदोलन की जो मजबूत धारा आज आप आंख उठाकर देखिए, पूरी दिल्ली लाल है। ये कह रहे थे कि हम जंतर मंतर पे धरना नहीं देने देंगे, बहुत दिल्ली में जहर फैल रही है। नरेंद्र मोदी तुम जितना जहर देश में फैला रहे हो उससे ज्यादा जहर क्या पॉल्यूशन फैलाएगा, और हमने सबसे पहली और बड़ी जीत ये हासिल की है कि हमने जंतर मंतर पे अपना ये 3 दिन का महापड़ाव, हमने अपना कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से सफल किया है, ये हमारी बड़ी जीत है। और हम ये आंदोलन, हमारा ये पड़ाव 3 दिन का सिर्फ यही पड़ाव नहीं है, यहाँ से हमारी आंदोलन की शुरुआत है। हमने ऐतिहासिक आंदोलन शुरू किया है कि 10 ट्रेड यूनियन मिल करके एक साथ तमाम एक दिन जो मिला हमें महिला नेशनल स्कीम वर्करों का, तो इस आंदोलन को और जोरदार तरीके से हम पूरे देश भर में हम पूरे एक एक चक्का को ठप कर देंगे। तमाम हम स्कूल कॉलेज से लेकर कार्यालय बैंक ब्लॉक को ठप करेंगे, खेत खलिहान मजदूर महिलाएं भी ठप करेंगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ एक जोरदार नारे के साथ कि सांप्रदायिक सरकार पे हल्ला बोल, इस नरेंद्र मोदी सरकार पे हल्ला बोल। पूरे देश भर में आशा कार्यकर्ता को समान मानदेय देना होगा, और 1200 में दम नहीं, इंकलाब जिंदाबाद।